टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मालदीता, हम वही कुक करेंगे, वही फिशिंग करेंगे। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे ये लोग रोज रोज घूमने निकल जाते हैं, तो वो उसका रीजन ये है कि आज इसके फादर की छुट्टी है, वो फ्री है, तो उन्होंने बोला कि कल आशिता बहुत सैड थी क्योंकि उसके पापा नहीं आ पाए थे, तो आज चलो चलते हैं। उसके बाद फिर वही डेली का रूटीन हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, और हमारे बाकी के फ्रेंड्स भी फ्री थे और ये हमारे नेबर्स की पार्टी कल थी और आज है हमारे ग्रुप की पार्टी। हाँ, तो हमारे फ्रेंड्स है कुछ, आप वो मिलाएंगे उन लोगों से, आशिता के कुछ बिल्कुल बचपन के दोस्त है वो उनके साथ, मेरे हस्बैंड के बचपन के दोस्त है उनके साथ, तो देखते हैं आगे आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। मालदीवता जा रहे हैं, वो एक पिकनिक स्पॉट है देहरादून का और बहुत अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे नदी वगैरह है, उसी के बगल में हम लोग बैठ के खाना वाना बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो चले आप भी हमारे साथ, ठीक है, और देखते हैं बाकी। राइट हर्षिता, राइट। हाँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको लोकेशन में, ठीक है। साथ में आज आश्रित भी जा रहा है और ये मेरा ब्रदर है सुधांशु, तो ये भी जा रहा है, और ये हमारे हस्बैंड, हमारे मेरे हस्बैंड, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपको लोकेशन में, ठीक है। हम यहाँ से सामान वगैरह भी खरीद लिया है, जो जो बनाने का है, बिल्कुल वेजिटेबल्स वगैरह, टमाटर, प्याज, सब कुछ जो भी होता है, और बर्तन वगैरह, सिलेंडर हमारे देखिए आप पीछे गाड़ी में रखा है ये, और गाइस आप देख सकते हैं। हाँ अभी, और मैं आपको बता दूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है, ठीक है, आपको दिखाऊंगी आगे, ठीक है, रश कितना है वहाँ पर, क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं लोकेशन में गाइस, और बाकी फ्रेंड्स को भी मिलाते हैं आपको, ठीक है, तो स्टे ट्यून। गाइस ये है मेरे फ्रेंड शान, हाय बोलो, शान हाय बोलो, हाय। गाइस अभी हम आशिता खुश है आपका फ्रेंड मिल गया आपको, वो शर्मा रहा है, छुप रहा है, सब हम मिलते हैं आपको लोकेशन में, ठीक है। देखिए रश, देखिए कितना रश आ रहा है, कितना रश आ रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है तो सबको ही पानी वाली जगह पसंद होती है, गर्मी में तो पूल का मजा ही कुछ और, सही बात है, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं आपको लोकेशन में, दिखाते हैं फिर आगे का कि क्या क्या करते हैं हम लोग वहाँ पर, कितना एंजॉय करते हैं, कैसे एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो गाइस मैं आपको रश दिखाती हूँ कि कितना भयंकर रश लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, देख रहे हैं रश, रुको जय करो जय करो। गाइस ये मालदीवता का मंदिर है, जय, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, बहुत ही प्राचीन है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर ना दो नदियाँ मिल रही है, एक इस साइड से आ रहा है आप देख सकते हैं, और एक इस साइड से पानी आ रहा है, तो यहाँ पे ये दो नदी का अलग अलग पानी है, ये मालदीवता में है ये लोकेशन ना, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना रश है, देख रहे हैं आप रश, ये सब लोग पिकनिक के लिए आ रखे हैं यहाँ पर, ये सब लोग पिकनिक के लिए आ रहे हैं, ये देखिए कहीं से झरना है जो आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखिए झरना, बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना है। गाइस गाड़ियाँ देखिए यहाँ पर, देखिए जो लगातार आपको ये गाड़ियाँ दिख रही है ना, ये जाम नहीं है, ये सब पार्किंग कर रखी है, और ये सब लोग नीचे पिकनिक मना रहे हैं, तो आप लगा सकते हैं यहाँ पर कितना कितना रश होता है, ये देखिए, ये देखिए। हाय गाइस, तो हम पहुँच गए लोकेशन में, और देखिए बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आशिता हाय बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग मिट्टी से, ये और मीनाक्षी आप क्या कर रहे हो, अदरक छील रही हूँ, और यहाँ पे बन रहा है खाना, क्या बन रहा है, हाय हाय करो, मटन बन रहा है यहाँ पे, अभी रखा है, तो मटन कौन बना रहा है आज, आप अच्छा बनाना,
मटन है। और भाभी आप क्या बना रहे हो यहाँ पर? पनीर। यहाँ पे बन रहा है पनीर, क्योंकि हमारे साथ कुछ वेजिटेरियंस भी हैं, इसलिए यहाँ पे पनीर बन रहा है। गुड भाभी गुड। हमें भी टेस्ट आ रहा भाभी पनीर कराओगे? हाँ लो ना यार, देख रहे हो कैसे बना रहे, तेल भी नहीं आया। ओहो आश्रित हाय बोलो, आश्रित आश्रित हाय बोलो। अरे मम्मी के पास देखो तो कैसे भाग रहा है। देखो गाइस बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, मजा आ रहा है आश्रित? हाँ ये देखिए यहाँ का व्यू है, ये देखो आशिता को। सैलेड भी बनाया है, ये है चने का चाट जो ये भाभी ने बनाया है, भोजपुरी है भाभी ने, ठीक है। और ये हम लोग कुकुम्बर भी है, और वो भी था वाटरमेलन भी था ना, पानी ठंडा हो रहा है वो, हाँ। वो हमारे फ्रिज में है अभी। हाँ, ये हमारा नेचुरल फ्रिज है। हम लोगों ने ये देखो वाटरमेलन मैं आपको दिखाती हूँ, ये हम लोगों ने इसलिए यहाँ पर रखा है ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी इतनी है तो डिहाइड्रेशन ना हो किसी को, इस वजह से हम लोग ये सब चीजें लेकर आए हैं। तो हम लोग सब मिलके यहाँ पे काम करते हैं, देखो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है। मैं भी ब्लॉगिंग कर रही हूँ और ये लोग काम नहीं, मैं कर चुकी हूँ काम, बता दो मैं कर चुकी हूँ, है ना। मैंने हाँ मैंने लहसुन छीला है, कुकुम्बर काटा है, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा मजा आता है। हम लोग रिजॉर्ट में रेस्टोरेंट्स में तो जाते रहते हैं, बट यहाँ पे नेचर में जो मजा है ना आने का और इंजॉय करने का, ठीक है, वो उसका बात ही अलग है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपको जब खाना बन जाएगा, फिर दिखाते हैं आपको क्या क्या बनाया है हम लोगों ने, ठीक है। तब तक मैं भी इंजॉय करती हूँ, ठीक है। तो गाइस खाना हो गया है रेडी और हम खा रहे हैं मटन एंड चावल, और बहुत ही अल्टीमेट बनाया है, देखिए ठीक है। ऑलमोस्ट मैं वैसे खा चुकी हूँ बट फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कैसा बना है भाभी। बहुत टेस्टी। कैसा बना भैया? हाँ ये भैया ने बनाया है, थैंक यू और वाकई में यार अल्टीमेट बना है। तो आप लोग भी आइए ट्राई करिए, और मालदेवता में हाँ ट्राई कीजिए, आप लोग भी अपना घर से सामान ला के बनाइए, बहुत मजा आता है, ट्रस्ट मी गाइस बहुत मजा आता है, ठीक है। आप लोग भी आना, और लोकेशन इतना अच्छा है, हम पानी वानी अपना साथ में लाए थे क्योंकि ऑब्वियसली यार नदी का पानी थोड़ा सा लगता है, ठीक है। तो आप लोग भी आइए, अपना सामान वामान सब साथ में लाइए, क्योंकि यहाँ पे आसपास आपको कुछ नहीं मिलेगा ना, रायपुर पे सारा सामान मिल जाता है आपको ना। आप ये भी बोलोगे ना कि हमें पिकनिक के लिए चाहिए और इतना केजी का चिकन बनना है, इतना केजी का मटन बनना है, वो अपने हिसाब से ही आपको सारा मसाला तेल वेल सब कुछ दे देंगे, ठीक है। और अपना सामान वामान लेकर आइएगा, ठीक है, बहुत मजा आता है गाइस, ट्रस्ट मी एक बार प्लीज ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको मतलब रिजॉर्ट से बेटर लगेगा और किसी रेस्टोरेंट से बेटर ही लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है मैं मिलते हैं फिर, यस गाइस, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं, ठीक है आप। तो गाइस हम लोगों ने पिकनिक ओवर कर ली है, और जितना भी कूड़ा था देखिए हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया है, ऊपर दिखाती हूँ, ये देखिए जितना भी कूड़ा था हम लोग का, जितना भी सब कुछ था हम लोगों ने एक पॉली में जमा कर दिया है, और अब ये पॉली हम लोग डस्टबिन भेज देंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग भी अगर पिकनिक आए ना तो प्लीज़ गंदगी ना फैलाएं, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा बहुत लोगों को यहाँ पर सब बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह फेंक के चले जाते हैं, तो जो भी अपना खाए हुआ है, ये देखिए भाभी देखो, ये देखिए, ठीक है। जो भी आप खा रहे हैं वगैरह वगैरह अपना खाए पिए इंजॉय करें, बट जो भी है अपना कूड़ा अपना साथ लेकर जाए, ठीक है, क्योंकि नेचर को गंदा करना बहुत ही गलत बात है, ठीक है। देखिए आप देखिए कितना रश है, कितना रश है, अगर आप हम सब ऐसे ही कूड़ा फैलाते रहेंगे तो फिर कैसे मतलब क्लीन रहेगा ना। तो बेटर है कि आप लोग जो भी अपना एंजॉय करेंगे खाने पीने का, जो भी सामान लेकर आते हैं
उसको एक बैग में भरिए इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद फिर अपने साथ उसको लेकर जाए और कहीं डस्टबिन में डाल दें या फेंक दें, ठीक है। तो गाइस फिर हम आपको मिलते हैं घर में पहुंचने के बाद। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में यही खत्म कर दी हूं, तो कल मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब नहीं आ रहे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डोंट फॉरगेट द बेल आइकन, बाय।